अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं हर तरह के जादू, जिन्नात, बला, आफतों और मुसीबतों से महफूज रहने के लिए एक ख़ास दुआ। प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये वो दुआ है जिसमें पंजतन पाक की ताकत है, इसलिए इसे पंजतन पाक की दुआ के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, इस दुआ को एक मर्तबा पढ़ने से आपकी हर तरह के जादू, जिन्नात, मुसीबत, परेशानियों से हिफाजत होती है। और तो और प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग सिर्फ़ एक मर्तबा इस दुआ को पढ़ते हैं तब आप लोग हर तरह की बीमारी से भी बचे रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आप सभी लोगों को ऐसे बेहतरीन वीडियो दूँ, और आप सभी लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि उस वीडियो को आप लोग लाइक करें और तमाम मुसलमानों में शेयर करें। इसलिए आप लोग अभी के अभी इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे दोस्तों, जब भी किसी शख्स को जादू हो जाए, हवा का असर हो जाए, या फिर जादू या फिर हवा का असर होने का ख़तरा हो, प्यारे दोस्तों आप लोग ज़रा ध्यान से सुने। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आने वाले वक्त की भी बात चल रही है और मौजूदा वक्त की भी बात चल रही है। आप लोगों को कोई परेशानी, मुसीबत आ जाए या फिर मुसीबत परेशानी आने का ख़तरा हो, आप लोग परेशान हो गए हों दुख तकलीफ़ों से, तब आप लोगों को ये दुआ पढ़नी है। प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से बढ़कर कोई जंतर मंतर नहीं है। आप लोग जब भी सुबह में उठें तो सबसे पहले सिर्फ़ एक मर्तबा ये दुआ पढ़ें। प्यारे दोस्तों, दुआ इतनी आसान और छोटी सी है कि आपको इस दुआ को पढ़ने में सिर्फ 5 सेकंड का वक्त लगेगा। 5 सेकंड में आप लोग इस दुआ को आसानी से पढ़ लेंगे, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग करिश्मा देखेंगे। कोई अगर आपके सामने बैठकर भी आपके ऊपर जादू कराने की कोशिश करेगा तो वो जादू हरगिज़ हरगिज़ ना करा सकेगा। ये बात प्यारे दोस्तों मैं आप सभी लोगों को दावे के साथ कहता हूँ। इस दुआ की ताकत का अंदाज़ा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई शख्स आपके सामने बैठकर भी आपके ऊपर जादू कराने की कोशिश करेगा तो वो जादू ना करा सकेगा। और प्यारे दोस्तों, सुबह में सिर्फ एक मर्तबा इस दुआ को पढ़कर अगर आप लोग अपने घर से निकलेंगे, यानी आप लोग जब अपने घर से सुबह में निकला करें, जब आप अपने नौकरी कारोबार के लिए निकलें, या फिर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, या फिर आप लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या मेहमानी में जा रहे हैं, तब आप लोग सिर्फ एक मर्तबा इस दुआ को पढ़कर अपने घर से निकलें तो आप पर कोई परेशानी, मुसीबत नहीं आएगी। पूरा दिन प्यारे दोस्तों, यानी सारा दिन तमाम आफतों, बलाओं और परेशानियों और मुसीबतों से बचे रहोगे। और तो और प्यारे दोस्तों, इस दुआ को पढ़ने वाला तमाम बीमारियों से भी बचा रहता है, यानी बलाओं के साथ साथ, जिन्न, भूत, प्रेतों के साथ साथ, परेशानियों, मुसीबतों के साथ साथ बीमारियां भी उस शख्स पर कोई असर नहीं करती हैं। सिर्फ प्यारे दोस्तों एक मर्तबा आप लोगों को इस दुआ को हर दिन पढ़ना है। दुआ प्यारे दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, इसको एक मर्तबा सुन भी लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली खमसतुन उतफी विहा हर्रल बवाइल हातिमा अलमुस्तफ़ा वलमुर्तदा वबना हुमा वलफ़ातिमा। प्यारे दोस्तों ध्यान से आप लोग अपनी स्क्रीन पर दुआ देख लीजिए। ली खमसतुन उतफी विहा हर्रल बवाइल हातिमा अलमुस्तफ़ा वलमुर्तदा वबना हुमा वलफ़ातिमा। प्यारे दोस्तों, आप लोग किसी भी मियां मौलवी के पास जाते हो कि आप लोगों को जिन लग गया, भूत लग गया, जादू हो गया, या फिर आपके ऊपर कोई परेशानी आ गई या फिर मुसीबत आ गई, मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि आप लोग सिर्फ एक मर्तबा ये दुआ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, फिर देखें इस दुआ का करिश्मा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ना आपको कभी कोई जादू होगा, ना आप पर कोई भूत लगेगा, ना आप पर कभी कोई परेशानी आएगी, ना आप पर कोई मुसीबत आएगी, बल्कि और तो और आप लोग हर तरह की बीमारियों से भी हिफाजत में रहोगे। तो प्यारे दोस्तों, बस यही था आज का वीडियो। दिल से इसे बेहतरीन वीडियो पर एक लाइक करके तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।